अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 17। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो नित्या है वो वॉशरूम तो चली गई थी। शावर के नीचे खड़ी होकर उसकी फेस में बढ़िया सी मुस्कान थी। अपनी एक हाथ की थंब उंगली से वो अपनी होंठ को छू रही थी और शावर की पानी उसके पूरे बदन को भिगा रहे थे। दूसरी ओर वॉशरूम की बाहर ही जो कशिश थी वो खड़ी थी, ये सोचते हुए कि इसने क्या किया है। तभी वो अपने होश में आती है और एकदम से जो देखती है, जो ड्रेस रखी है उस पर नज़र देती है, तो देखती है ये कुछ हद तक के ट्रेडिशनल ड्रेस है। उनसे कशिश बोलती कि अब ये कैसे पहनूं। लेकिन जैसे तैसे वो पहले तो टॉवल से खुद को अच्छे से पोंछ लेती है और फिर वो ड्रेस चेंज कर लेती है। जैसे चेंज करती है तो उस ड्रेस में जो पीछे की एक डोरी थी, अब कशिश बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो डोरी को बांधे, लेकिन वो बांध नहीं पा रही थी। एकदम से जो नित्या है वो भी शावर ले लेती है और वो वॉशरूम में ही चेंज करके आती है। जैसे वो आती है दरवाज़ा ओपन होती है, वो जैसे वो आती है वो देखती है कशिश उसकी ही जो बेड साइड पे ड्रेसिंग टेबल है उसके सामने खड़ी होकर अपनी पीछे की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। लेकिन नित्या की नज़र तो कशिश पे थम ही जाती है। पहली बार इस लुक में कशिश को देख के नित्या की धड़कन तेज हो जाती है। कशिश थोड़ी सी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी तो इतनी नया खूबसूरत लग रही थी वो, नित्या अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। वो एकदम से बोल देती थी कि वाह। तभी एकदम से कशिश को थोड़ी सी आहट महसूस होती कि पीछे पलटती है और देखती है नित्या खड़ी है और उसे घूर के देख रही है। कशिश एकदम सोचती कि वो सॉरी मैम, वो ये। तभी एकदम से नित्या होती कि रिलैक्स। नित्या एकदम से कशिश के करीब आ रही थी, कशिश थोड़ी थोड़ी पीछे जा रही थी कि मैम। तभी एकदम से नित्या बोलती कि रिलैक्स, क्या इशू है? कशिश बोलती कि वो मैंने इस तरीके के ड्रेस नहीं पहने हैं कभी। नित्या एकदम से कशिश की थोड़ी करीब जाती है, हालांकि चार कदम पीछे वो खड़ी हुई थी कशिश से, और एकदम से बोलती कि तो क्या हुआ, अच्छी लग रही हो तुम? कशिश बोलती कि वो मैम, पर इसके वो बांधने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं पा रही है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि इट्स ओके, तुम पीछे घूम जाओ, मैं बांध देती हूँ। कशिश बोलती कि पर ठीक है मैम, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। तभी नित्या बोलती कि पीछे घूमो, मैं बांध देती हूँ ना। तभी एकदम से कशिश पीछे की ओर पलट जाती है। नित्या के दिल की धड़कन तो कशिश को देख के ही तेज़ हो गई थी। वो इतनी क्यूट और इतनी खूबसूरत लग रही थी। बाले उसके बाल जो थे वो अभी भीगे हुए थे, इसमें से एक दो बूंद अभी उसको शोल्डर से छूते हुए, उसके हाथ में छूते हुए सरक रहे थे। और एकदम से बैग पे जब देखती है तो कशिश की बैग काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव तो थी। नित्या बस एक टक उसकी ओर जा रही थी और एकदम से वो चार कदम जो गैप थी वो भी पूरा कर देती है और एकदम से वो डोरी को पकड़ती है। डोरी को पकड़ते हुए जैसी ही वो डोरी को लेके आएगी और बांधेगी, तभी उसके हाथ थोड़ी सी, बस थोड़ी सी कशिश की बैक पर टच होती है। एकदम से ये होना और कशिश के शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन मूड एक्टिव हो जाना। वो थोड़ी देर के लिए पीछा होएगी कि जो डोरी थी वो नित्या के हाथ में थी, वो एकदम से वो पकड़ लेते बोलती कहाँ जा रही हो, और वो डोरी से उसे खींचती है। जैसे खींचती है कशिश भी थोड़ी पीछे हो जाती है। पता नहीं कशिश की बॉडी में कुछ हलचल तो हो ही रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नित्या वो अपनी होश में थी ही नहीं कशिश को इस हालत में देखे। पता नहीं वो थोड़ी सी और करीब जाती है और वो बड़ी आहिस्ता से उसकी डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी कि उसके सांसें भी कशिश के बैक पे पड़ती है। कशिश को पता नहीं क्या होती कि
वो हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, उसको बस वही चीज़ से एकदम से पीछे जाती है, वो एकदम से हट जाती है वहाँ से, बोलती है आप मैम वो मैं खुद खुद कर दूँगी, आई मीन खुद कर लूँगी। तभी नीता बोलती है क्या इशू है, तो बोलती है नहीं नहीं कोई इशू नहीं है वो एक्चुअली। तभी वहाँ पे रिया एंटर करती है, यह बोलती है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गई दोनों की। तभी कशिश और नित्या दोनों ही रिया की ओर देखती है, नित्या बोलती है कि हाँ वो गुड मॉर्निंग दी। तभी कशिश अपनी सर झुकाते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग। तभी रिया बोलती है अरे गुड मॉर्निंग भी तो ठीक से बोल लो, क्या हो गई है। तभी वो कशिश बोलती है वो एक्चुअली मेरा वो, तभी क्योंकि वो जैसे घूमी थी ना तो उसका बैक ना लगभग वो शीशे में दिखाई दे रहे थे, तो रिया की नज़र भी आ जाती, तो रिया बोलती है अरे अच्छा समझ गई, तो बांध लो ना इसको। तभी एकदम से कशिश बोलती कि वो मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रही है, कि क्या आप मेरी, तो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर इधर आओ। तो एकदम से वो जाती है और कशिश पीछे घूमती है, और अब रिया पकड़ते हुए फटाक से बांध देती है। अब कशिश एक चीज़ डिफरेंट महसूस करती है कि सेम तरीके से जब नित्या एकदम से करीब आई थी, डोरी को छुई थी, तब उसे अजीब सी महसूस हुई थी जो अब नहीं हुई, ये क्या मसला है। कशिश सोच में पड़ जाती है, तभी रिया एकदम से उसके शोल्डर पर टैप करते हुए बोलती कि वो कहाँ खो गई आप, हो गई है। तभी एकदम से वो कशिश बोलती कि हाँ वो थैंक यू, बोलती कि मोस्ट वेलकम, वैसे तुम्हारे टीचर भी तो ये भी थे, चाहे तो ये भी मान सकते थे, क्या हो गई है। नित्या तो बस चुप खड़ी थी, बोल रही है नहीं कुछ बात नहीं, क्योंकि नित्या को भी समझ नहीं आ रही थी कि एक तो उसको हुआ क्या है, नित्या खुद खुद को पूछ रही है कि भाई हुआ क्या है, मैं ऐसे कैसे कर रही थी। थोड़ी देर में रिया जो है बोलती है अच्छा चलो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी कर चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नित्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो वहाँ से जो कशिश है वो फटाक से कमरे से बाहर हो जाती है। पता नहीं उसके दिल में कुछ तो चल रहे थे जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो निकल जाती है। नित्या वहाँ पे थोड़ी देर तक, क्योंकि अब वो यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएगी, तो रेडी वगैरह हो जाती है और वो जाती है हॉल में, बैठती है, ब्रेकफास्ट करती है। जैसे ही ब्रेकफास्ट करती है एकदम से नित्या वो कशिश की ओर देख रही थी, कशिश नित्या की ओर न जाने देख ही नहीं पा रही थी, वो चुप से खाना खाती है। एकदम से जो रिया है वो, रिया जो पास है वो नित्या बैठी थी, तो बोलती कि क्या हो गई इसे, क्यों घूर के देख रही है, सब कुछ ठीक है ना, कोई परेशान तो नहीं किया ना इसने। तभी एकदम से नित्या बोलती नहीं कोई परेशान नहीं किया, बोलती कि चलो अच्छी बात है, तो ऐसे कैसे घूर के देख रही हो तुम, लेकिन नहीं कुछ नहीं। वहाँ से ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, करने के बाद एकदम से नित्या कशिश की ओर देख के बोलती जाना है यूनिवर्सिटी में, तो कशिश बोलती कि हाँ हाँ मैम जानी है, हाँ तो चलो फिर। तभी कशिश बोलती कि पर मैम वो मैंने बैग वगैरह तो लाई नहीं, नोटबुक्स वगैरह सब घर पे, तो बोलती हाँ तो तुम्हारे ना तुम्हारे पास फ़ोन नाम की कोई चीज़ है, बोलती हाँ है मैम, वेरी गुड, तो अगर है तो कॉल करो अपनी जानवी को, उसको कहो कि घर जाके आते हुए वो ले आए, वैसे मैंने कल बोल दी थी आपकी मम्मा को। तभी बोलती कि वो हाँ ठीक है मैं करती हूँ, ये बोलते हुए कॉल करती है। जानवी की रिंग पर उठा लेते, बोलती कि कैसी है तू, तो नहीं कशिश बोलती कि मैं ठीक हूँ, वो तू घर जाते आते वक्त मेरा बैग था, बोलती कि हाँ वो मासी ने बोल दी थी यार, मैं बस तेरे घर से बैग लेके बस निकलूँगी, चल ठीक है मैं पहुँचती हूँ यूनिवर्सिटी में, क्या हुआ सब ठीक है। कशिश बोलती कि हाँ वो ठीक है सब, वहाँ पे वो कॉल कट हो जाती है। नित्या बोलती कि चले अब, देखिए हाँ मैम चले। जो कशिश है वो नित्या के करीब जा ही नहीं रही थी, वो थोड़ी सी दूरी दूरी में चल रही थी। नित्या निकलती है और वो पहले तो क्योंकि ऑटो से कुछ हद तक जानी पड़ती थी, तो एक ऑटो जो है वो रुकवाती है और नित्या और कशिश दोनों ही बैठते हैं।
दोनों बैठते हैं और ये लोग चल पड़ते हैं। नित्या एक कॉर्नर साइड पे जाके बैठती है पूरी ऑटो की, और तो कशिश दूसरी कॉर्नर साइड पे। न जाने कशिश को क्या हो रही थी कि वो बस यही सोच रही थी कि जब मैम ने टच करी थी तो पता नहीं बॉडी बॉडी में अलग अलग सी महसूस हो रही थी। जब उनके वो दी ने टच करी तो वो चीज़ नहीं हुई। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, और मुझे क्या हो जाती है इनकी इतनी करीब जाने से। वो यही सोच रही थी कि ऑटो वाला जो है वो तो चला रहा था। अब वो गड्ढे होते हैं रास्ते में, वो भी नहीं देखते हुए कि एकदम से गड्ढे में वो जो है वो थोड़ी सी होती है, तो कशिश एकदम से वो होती है आउच, क्योंकि वो थोड़ी सी हिल जाती है ना, तो साइड में एकदम से जाती है और वो एंगल से साथ ठुक जाती है। तभी नित्या बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। मैम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो एकदम से गड्ढे में गिरा तो शायद। बोलती है हाँ तो तुम एकदम से उस साइड पे जाओगी तो ऐसे ही होगी, थोड़ा सा साइड होके बैठो, ठीक से बैठो, कौन सा मैं तुम्हें खा रही हूँ। जो कशिश बोलती है वो बात नहीं है मैम। तो बोलती हाँ तो ठीक से बैठो और इस साइड पे आओ थोड़ी। तो कशिश क्या करती है, उस एंगल से थोड़ी सी हट के आती है, और जैसे आती है थोड़ी सी करीब आ जाती है। एकदम से कशिश जो है, क्योंकि नित्या एक साइड पे हाथ रखी हुई थी, तो कशिश जैसे ही आती है ना, वो बाद में एकदम से अपने हाथ रखती है कि उसके हाथ के नीचे नित्या की हाथ थी। कशिश जैसे रखती है तो थोड़ी सी घबरा सी जाती है, फटाक से हाथ उठाती है और नित्या की ओर देखती है। नित्या कशिश की ओर देखती ही नहीं है, वो सामने की ओर देख रही थी। कशिश बोलती कि ये क्या 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 हो रही है। ये बोलते हुए लगभग वर्सिटी की थोड़ी सी देर आगे ही ये दोनों उतर जाते हैं, क्योंकि नित्या को कुछ चीज़ तो थी कि अगर एक साथ जाएंगे तो पता नहीं कोई सवाल करेंगे तो एक साथ आए हो ये हो। तो थोड़ी देर पहले ही वो लोग उतर जाते हैं और बस कदम बढ़ाए, दो चार मतलब 10-15 कदम साइड होके ये लोग गली में एंटर करते हैं, और वर्सिटी की गली में आके ये लोग एंटर कर लेते हैं। लेकिन आज कुछ अलग होते हैं। जिस तरह से कशिश तैयार होके आई थी, वो पूरे कट्टे जो है वो जहर तो लग रही थी। सबके नज़र आज कशिश के ऊपर आ जाती है। वैसे भी कशिश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन थी और उसका इंट्रोवर्ट होना ये और ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी लोगों को उसको करीब खींचने में। और आज इस तरह देख के सब दंग रह जाते हैं। जैसे वो एंटर करती है, सबकी नज़र कशिश के ऊपर आ जाती है। शायद ये पहली बार है कि शायद इस तरह की ड्रेस पहनी है। कशिश तो पहले से वो अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी, अब सारे नज़र को देख के वो बस अपनी ड्रेस को इधर उधर खींच रही थी कि पता नहीं क्या अजीब सी है, ये सब मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं। नित्या थोड़ी आगे चली जाती है। नित्या जाते जाते एकदम से टकराती है दृष्टि मैम से, तो दृष्टि मैम बोलती है ओहो आज चेहरे पे बड़ा चमक है, क्या बात है, आज इतनी खुशी क्यों है आप, बाय द वे गुड मॉर्निंग। तभी एकदम से नित्या बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग। बोलती है ओहो वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस, बाय द वे नित्या मैम, आज आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल की वजह क्या मैं जान सकती हूँ। एकदम से नित्या बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बोलती है अच्छा। तभी दृष्टि देखती कि जो यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड के आसपास होते हैं कुछ स्टूडेंट्स वगैरह खड़े हुए थे और सब आपस में बात कर रहे थे और एक जगह पे बस देखते रहते हैं। दृष्टि एकदम से बोलती है ये आज क्या हो गई है, कौन आई है जिसको ये लोग घूर के देख रहे हैं। तभी दृष्टि नित्या से नज़र हटा के थोड़ी सी पीछे की ओर देखती है, तो भाई गॉड वो देख के एकदम से बोलती है ओहो ये कौन है। नित्या एकदम से पीछे पलटती है और वो भी कशिश की ओर देखती है, लेकिन नित्या को ये पता नहीं थी कि कशिश को सारे लोग घूर के देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कृष मेहरा जो कशिश की एंटर करते ही उसके ऊपर नज़र डाला था, वो साइड पे एक फ्लावर लेके खड़ा था। वो खड़ा का खड़ा ही रहता है, वो हिल भी नहीं रहा था, ना ही उसके पलक झपक रहे थे। वो एक टक कशिश की ओर देख रहा था अपने दिल पे हाथ रखते हुए। नित्या की सीधी नज़र वहीं पे जाती है। वो पहले तो एक लुक इधर उधर करती है और सीधा कृष की ओर डालती है।
तभी दृष्टि बोलती है, हो शी सो ब्यूटीफुल, और आज तो कह ढा रही है, क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी स्टूडेंट। तभी वो देखती है नित्या की ओर। नित्या अपनी नज़र आ रहा है बस क्रिश को एक लुक से देख रही थी। दृष्टि थोड़ी देर तक नित्या की आंखों में देख रही थी। कुछ तो बात थी जो दृष्टि समझ नहीं रही थी, पता नहीं उसके आंखों में कुछ तो थी। तभी बोलते कि अरे आराम से देखो, डर जाएगा वो। तभी एकदम से नित्या अपने होश में आते बोलती कि जी ऐसे गुस्से में मत देखो, डर जाएगा वो, क्या हो गई है। ठीक कुछ नहीं, बोलती ये बात बताओ, ये तुम्हारी स्टूडेंट आज इतनी खूबसूरत लग रही है, वजह क्या है, और तुम इतनी मुस्कुरा रही हो। तभी एकदम से नित्या बोलती कोई वजह नहीं है, इसमें क्या वजह हो सकती है। बोलती आय है क्या वजह हो सकती है। और पीछे से तभी जाह्नवी आती है, तो जाह्नवी भी एकदम से कशिश को देख के वो दंग रह जाती है। और जाह्नवी आती है बोलती कि आय हाय को कोई तो रोक लो, ये कौन है जिसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, क्या ये तू है या फिर मेरी कोई ख्वाब कि ख्वाब में तुझे मैं ऐसे देख रही हूँ। तभी कशिश घूरते हुए देखते हुए बोलती है, हाँ हो गई मजाक उड़ाना, हो गई। और एक बात बताओ, मैं क्या अजीब लग रही हूँ, सब लोग मुझे ऐसे घूर के। तभी जाह्नवी बोलती कि अजीब, हाय हाय तू ना अप्सरा है लग रही है, वो होते ना आसमान से उतरी आई अप्सरा, बिल्कुल डिट्टो वैसी, हाय इतनी खूबसूरत, और ये ड्रेस मस्त जचे गई तुझे, किसकी है, मैम की। तभी वो बोलती कि बोलती हो उनकी चॉइस मस्त है यार, कितनी खूबसूरत लग रही है तू। बस करना, और एक तो ये सारे अजीब नज़रों से देख रहे हैं वो ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, हम क्लासरूम चले। तो बोलती कि हाँ चल, तो जैसी चलेगी कि तभी क्रिश उसके सामने आ जाता है। और बोलती ओहो आज इतनी कहर ढा रही है, क्या बात है साइलेंट ब्यूटी, मारने का इरादा से आए हो क्या। अरे मारना ही होता तो सीधा बोल लेते, हम जाके किसी बिल्डिंग से छलांग मार देते या पहाड़ी से कूद जाते, लेकिन ऐसे मारने का क्या मतलब है। कशिश घूर के जो है वो देखती है क्रिश की ओर, तो जाह्नवी बोलती है कि अरे क्या फेंक रहे हो, ये सारे डायलॉग ना पुराने हो चुके, कुछ नया ढूंढ के आओ जाओ भैया। तभी एकदम से क्रिश बोलती है क्या भैया, हाँ कौन सी भैया, किसकी भैया। तभी बोलती है हम दोनों की भैया, तुम्हें नहीं पता, अरे जाओ जाओ अपने काम से काम करो। जाह्नवी कशिश की हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाती है। कशिश को बहुत अजीब लग रही थी कि एक तो ये नज़रों से उसे देख रहे थे, दूसरी ओर दृष्टि मैम और नित्या मैम जी वहाँ से एकदम अपने ऑफिस रूम जाते हैं। ऑफिस रूम जाते हैं, बैठती है, अपने अपनी चीज़ें लेती है, नोटबुक उठाती है और क्लासरूम की ओर चली जाती है जो उसकी थी। दृष्टि मैम कई बार उससे पूछती है कि बात क्या है, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें, और चेहरे पे ये चमक जो एकदम से वो हंसी गायब हो गई थी क्रिश को देख के, वो अपनी क्लास लेने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर जाह्नवी कशिश की हाथ पकड़ती है, उसे क्लास में लाती है और बोलती कि ये ले बुक वगैरह, पर एक बात बताना, इतनी खूबसूरत है। बोलती कि बस कर जा, एक तो सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे ऊपर से। बोलती कि कोई बात नहीं, अच्छी लग रही हो। ये लोग आके बैठते हैं और जो क्रिश है वो बस आज कशिश से नज़र फेर ही नहीं पाता है, वो बस उसे एक टक देख ही रहता है, उसकी नज़र नहीं हटता। कशिश इधर उधर देखते तो पूरे क्लासरूम कशिश की वो जो कॉम्प्लीमेंट देते कि यार कशिश तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। कशिश को ये सब वैसे ही पसंद नहीं थी, तो चुप सी होके एकदम सुन होके बैठ जाती है। जो जाह्नवी बोलती कि थैंक यू तो बोले, बोलती कि चुप करना। और तभी लेक्चर शुरू होने लगती है, प्रोफेसर आते हैं लेक्चर लेने लगते हैं। जैसे तैसे पहला लेक्चर तो ख़त्म होता है, लेकिन क्रिश है कि अपने दिल से ना तो हाथ हटाता है और ना ही नज़र, वो एक टक बस देख ही रहा था। उसके दोस्त बोलती कि यार कुछ तो मतलब लेक्चर तो ले ले, थोड़ी देर के लिए ध्यान तो हटा। बोलती कि यार ये नज़र है कि उसी पे जाके टिक गया, आज पता नहीं क्या कहर बन के आई है जो मुझ पे गरज रहा है, अरे यार कोई तो रोक लो। तो भी बोलती यार चुप कर जा। तो ऐसे ही वो पहला लेक्चर ख़त्म होते, दूसरा लेक्चर पे ही नित्या की एंट्री थी।
और नित्या भी अपनी नोटबुक लेके सीधा आती है। जैसे ही आती है, कशिश जो है वो जानवी की बात सुन रही थी कि उसकी नज़र भी एकदम से डोर की साइड पे जाती है जहाँ पे नित्या चलते हुए आती है। और कशिश नित्या की ओर देख रही थी। नित्या भी, क्योंकि वो साड़ी पहनी थी ना, वो उसकी पतली कमर में मच जचती है साड़ी का इस तरह की कि पहनना, वो शेप बॉडी का मस्त है। कशिश बस एक टक नित्या की ओर देखती है, नित्या कशिश की ओर देखती है और एक पल के लिए वो अपनी नज़र फेर के दूसरी ओर देखने लगती है। अब ज़्यादा देर तक तो नहीं देख सकती। और देखते देखते एकदम से नित्या की नज़र भी क्रिश के ऊपर आता है। तो क्रिश के ऊपर जाते उसका फेस एक्सप्रेशन जो चेंज हो जाती है। ये चीज़ नित्या की कशिश नोट करती है, क्योंकि कशिश की ध्यान उसी उस साइड पे ही थी। नित्या पहले सारे स्टूडेंट को एक बार देख लेती है और जैसी क्रिश के ऊपर जाती है बस उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। ये देखती है कशिश और नित्या एकदम से बोलती है कि ध्यान देख के सब लोग बोर्ड के यहाँ पे ही देखो, किसी और दिशा पे ना देखो तो बेहतर है। तभी क्रिश एकदम से अपनी नज़र हटाता है, कशिश से बोलती है कि हाँ हाँ जी मैडम, कि कहाँ नज़र है, ध्यान यहाँ पे होनी चाहिए कहीं और पे नहीं। तो बोलती है अरे मैडम क्या आप भी कबाब में हड्डी बन के घूम रहे हो, क्या चाहिए आपको। तभी एकदम से वो बोलती है कि क्या चाहिए का क्या मतलब, ये मेरी क्लास है, तुम्हारा घर नहीं कि तुम जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे बर्ताव कर सको। अगर तुम्हें इस तरह की बर्ताव करनी है तो कृपया मेरी क्लासरूम से बाहर जाओ। तभी एकदम से क्रिश बोलती कि आज तो मैं क्लासरूम से कहीं जाने वाला हूँ नहीं मैडम, आप चाहे जो कर लो कर लो। तभी एकदम से नित्या बोलती तो फिर अगर क्लास में रहना है तो ध्यान सिर्फ बोर्ड में होनी चाहिए, किसी और जगह पे नहीं। तो बोलती कि अरे कोई ना मैम, आप शुरू तो करो, हम अपनी नज़र को ठीक कर लेंगे। नित्या एकदम से वो चख लेती है और वो पहले तो उन लोगों की लिसन जो होते हैं वो पूछती है और कुछ कुछ चीज़ें वो बोर्ड में लिखती है और अब वो समझाने लगती है चीज़ें। वो इधर उधर टहल टहल के वो समझा रही थी। नित्या की कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अट्रैक्ट करती है लोगों को कुछ कुछ चीज़ें उसकी अंदाज़। कशिश कहीं ना कहीं नज़र तो नित्या के ऊपर ही रखती है। तो जिस तरह से नित्या चलते हुए बोल रही थी, उसका वो साड़ी की पल्लू लहरा रही थी, बस कशिश एक टक देखी जा रही थी। जो जानवी है वो नित्या की एक चीज़ नहीं समझ रही थी, तो बोलती है अरे यार ये मैम ने क्या बोला है, इसको बोलना कशिश। तभी कशिश तो ध्यान में थी नहीं, तभी जानवी उसके शोल्डर पे एकदम से चिमटी मारती है और चिमटी काटते ही एकदम से कशिश बोलती है आउच। तो जानवी बोलती है क्या आउच, कहाँ पे खो गई है तू। देखिए कहीं पे नहीं, बोलती अच्छा नज़र तो आ रही है, यार मैम ने ये बोली है समझ नहीं आ रही इसका क्या मतलब है। बोलती कि मुझे क्या पता तू मुझे क्यों बोल रही है, तो अच्छा क्या मैं पड़ोसों को जाके बोलूँ, तू बगल में बैठी है तुझको बोलूँगी। तो बोलती कि क्या है, तो दिखाती है और वो जा पता थी उसको तो वो दिखा देती है। जानवी बोलती कि शुक्रिया। यहाँ पे नित्या बस चुपचाप अपनी क्लास ले रही थी। इस दौरान दो तीन बार वो कशिश की ओर देखती है और कशिश की ध्यान भी नित्या की ओर थी। कुछ तो चल रहे थे खामोशी में, बहुत सारी चीज़ें शायद आपस में बात कर रहे थे। नित्या जैसे तैसे क्लास ख़त्म करती है और क्रिश जैसा वो बोला था क्योंकि उसको बाहर नहीं जाना था, कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कशिश इतनी खूबसूरत लग रही थी तो वो कशिश को ताड़ सकता है या फिर है के। जैसे तैसे वो बैठा रहता है और नित्या क्लास ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। दूसरा लेक्चर होते कशिश की तो लेक्चर भी ख़त्म होता और ये लोग अब लंच के लिए जाएगी। जैसे जाएगी तो एकदम से कशिश बोलती कि तू कुछ खा ले, वैसे भी मैंने तभी बोलती कि मैं उठा लाई हूँ तेरा डब्बा, एक तो इसी काम के लिए रखा है तूने कि तेरा डब्बा उठाऊँ, तेरा बैग उठाऊँ और तुझे भी उठाऊँ। तभी एकदम से कशिश बोलती कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग जाती है कैंटीन में जाके बैठ जाती है, नित्या और दृष्टि अभी तक नहीं आई थी, तो कशिश जाके बैठ जाते हैं। जैसे बैठ जाते हैं तो क्रिश फिर से खाना लेके आते तो कशिश सीधा मना कर देती कि देखियो यार फॉर से परेशान मत करो, नहीं खानी है मुझे और घर से खाना लेके आई हूँ तो खा सकती हूँ मैं, और ये सब हरकतें बंद कर दो। क्रिश बोलती कि देखो जब तक मैं हूँ तुमको मुझे झेलनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो भाई ऐसी हूँ। तभी जानवी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है,
कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं होते ना, वैसे भी तुम होते होते अब जो चाहे वो बुला लो। तभी जानवी बोलती कि हद हो जाती है हर चीज़ की। वहाँ पे कशिश उसकी नज़र भी नित्या के ऊपर आती है। नित्या भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और आज तो नित्या की फेस में एक छोटू सा मुस्कान थी, उससे और ज़्यादा वो अच्छी लग रही थी। इधर जो नित्या है वो भी खा तो रही थी, लेकिन उसकी ध्यान भी वहीं पे थी। दृष्टि थोड़ी देर तक लेते होते कि कुछ तो बात है, कुछ हुआ है क्या? अरे मैम बोलिए तो सही। तो नित्या बोलती कि नहीं कुछ नहीं है, आप खाना खाइए ना। कि क्या करे, खाना तो खा ले, लेकिन आपसे ध्यान हटती नहीं। पता नहीं आज आप कहा, कुछ तो अजीब है आपके साथ, कहीं प्यार तो नहीं हो गई आपको जो यूँ खोई खोई सी हो। नित्या एकदम से हंस पड़ती है उसकी बात सुन के। दृष्टि की जिस तरह से वो हंसती है, कशी जैसी दिखती है, वो हंसी पे ही एकदम से थम सी जाती है। और कुछ तो इन दोनों के दरमियान कुछ तो खामोशी में बात हो रहे थे जो समझ नहीं आ रहे थे किसी को, और ना ही ये दोनों समझ पा रहे थे। इधर लंच जैसे होते हैं, ये लोग अपने अपने वहाँ पे चले जाते हैं। देखते देखते यूनिवर्सिटी भी पूरा ख़त्म होती है। कशिश जानवी ये लोग बस निकलेंगे, तभी कृष वापस अपनी मुंह उठा के चला जाता है कशिश के सामने। बोलती कि यार एक एक कप कॉफ़ी पीने चले। तभी जानवी बोलती कि कॉफ़ी तुम्हारे साथ, कते ना मैं इससे अच्छा मरना पसंद करूँगी। तभी एकदम से जो क्रिश है वो थी, यार तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, तुम क्यों फुदक रहे हो? जिसको बोल रहा हूँ उसको उसको बोलने दे रहा हूँ। तभी कशिश होती है, क्या चाहते हो तुम? मना किया ना मैंने? अगर कोई सीधा पॉइंट पे ना बोलती है, नो बोलती है, तो नो का मतलब सिर्फ ना ही होती है, और कोई वजह नहीं है। तभी एकदम से क्रिश बोलती कि अरे इस ना का दूसरा वो भी है कि लड़कियां जब भी ना करती है तो इसका मतलब तो बोलती कि गलतफहमी है तुम्हारी, मैं उस तरीके की नहीं हूँ। देखो क्रिश दोस्त बन के रहो ठीक है, लेकिन अपने दायरे को लांघने की कोशिश मत करो, मुझे पसंद नहीं है, ये सब ना करो तो बेहतर है, वरना जो दोस्ती है वो भी नहीं रहेगी। ये बोल के जानवी कशिश वहाँ से चली जाती है। कृष वहाँ पे बस खड़ा होकर देख रहा था, और कहीं ना कहीं ये सीन नित्या देख रही थी, तो उसके फेस में और प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो ऑफिस रूम जाती है, वहाँ पे अपनी चीज़ों को समेटने लगती है। दिशा मैम आते हैं, बोलती है अपना मुझे पूरा यकीन हो गई है कि तुम्हें प्यार हो गई है, ये जो मुस्कुराहट है ना तुम्हारी, ये बहुत कुछ दर्शा रही है, बस तुम भाग रही हो, तुम नहीं बता रही हो, वरना सबूत मेरे सामने है। तो वे एकदम से बोलती है अच्छा अब कौन सी सबूत मिल गई आपको? और बोलती है तुम्हारी मुस्कान, अब इतनी प्यार से मुस्कुरा रही हो, कुछ ना कुछ तो वजह है ना, चलो बताओ भी, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी को कहूंगी नहीं, मैं किसी को कहूंगी नहीं, बोलो बोलो। तभी एकदम से होती कि क्या है आप क्या बोली जा रही हो? बोलती अरे तुम्हारी दिल की बात जो तुम मुझे बताओगे, और मैं किसी को कहूँगी नहीं, बस यही तो बोल रहे हैं, बोलो ना क्या है दिल में छुपा। अब नित्या बोलती कि दृष्टि मैम ऐसी कोई बात नहीं है। बोलती चलो चलो मैंने भी प्यार करा है, और तुम्हारी जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, तुम्हारे जो बर्ताव होता है ना, सब कुछ भाप सकती हूँ भाई। जब एक इंसान प्यार करती है ना, तो दूसरा इंसान जब प्यार में पड़ता है ना, वो आसानी से समझ आ जाता है। तो ये भाव मत खाओ और बताओ कौन है वो। अब नित्या बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, हम कल बात करेंगे। बोलती है अच्छा कल संडे है, तुम कल आने वाली हो? बोलती है अच्छा मैं भूल गई थी। बोलती है हाँ हाँ वही तो। ये बोलते हुए नित्या और दृष्टि दोनों निकलते हैं ऑफिस रूम से। ऑफिस रूम से निकलते ही ये लोग जो है यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं, वहाँ से एक ऑटो पकड़ के ये लोग घर की ओर चली जाती है। और जानवी और कशिश ये लोग रोड के साइड पे खड़े थे, बाद में ये लोग भी चले आते हैं। जानवी
कशिश को लेकर घर आती है और वो घर पे एंटर करती है तो कशिश की मोम कशिश को देख के सीधा जाती है, उसको गले लगा लेती है। कशिश चुप खड़ी थी, वो हक बैक नहीं कर रही थी लेकिन चुप खड़ी थी। उसके मोम उसकी फरहट पे किस करती, उसके सर पे सहलाती है और बोलती कि तुम ठीक हो? हाँ तो तुम ठीक हो ना? कशिश कुछ नहीं बोलती और एकदम से नहीं, जो जानवी है वो बोलती मासी देखो ना आज कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कशिश, और ये मैम की ड्रेस कितनी फिट आई है इसको, परफेक्ट एकदम। तभी वो देखती है बोलती कि हाँ खूबसूरत तो लग रही है, मेरी बेटी है ही खूबसूरत। तुम फ्रेश हो क्या? हो मैं खाना लेके आती हूँ। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप एकदम से कमरे की ओर चली जाती है। तो कशिश की मोम जानवी की ओर देखे बोलती कि ये इतनी शांत क्यों है? तभी एकदम से जानवी बोलती हाँ तो अच्छी बात है ना, हर वक्त तो आपके साथ बुरी बर्ताव करती है, आज चुप थी कुछ नहीं बोली आपको, ये सोचो ना, थिंक पॉजिटिव। थी हाँ ये भी सच है। तो वहाँ पे ये लोग जो है कशिश अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होती है, दूसरी ओर जानवी वहीं पर रुकती है। कशिश जैसे फ्रेश वगैरह होकर आती है, वो अपनी पूरी कुछ कुछ चीज़ों का जो सुबह हुई थी वो चीज़ याद करती है, और वो बार बार उसी बारे में सोच रही थी कि जब मैम ने छुआ तो अजीब फील हुई, जब रिया जी ने छुआ था तो वो कुछ फील ही नहीं हुई, ये माजला क्या है जो समझ से बाहर है, यही सोच रहे थे। देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं, जो नित्या थी वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रही थी और उसको आज आनी भी थी। तो वहाँ से वो एकदम से क्या करती है, पीहू को पढ़ा लेती है, रिया से थोड़ी बहुत बात वगैरह करती है और वो अब तैयार होती है कशिश के घर आने के लिए। वहीं पर रुकता है और आज तो जानवी कशिश के साथ रुक गई थी। और जैसे ही नित्या अपनी सारी चीज़ सॉर्ट आउट करके कशिश की घर आती है तो कशिश की मॉम उन्हें हक करते बोल के थैंक यू उसको संभालने के लिए। तभी नित्या बोलती कि आंटी इस तरह से थैंक यू मत बोलिए, और कुछ चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी कि अतीत के कुछ चीज़ें उसके दिल पे घायल कर चुके हैं, वो घाव पूरा होने में थोड़ी सी वक्त लगेगी, तो उस तक पेशेंस रखिए। देखिए हाँ हाँ बेटा मैं समझ गई। वहाँ से कशिश जाती, कशिश की कमरे की ओर जाती है नित्या। जैसे जाती है तो देखती है जानवी बैठ के वो कशिश से बात कर रही थी और कशिश चुप थी। तो जानवी जैसे ही नित्या को देखती है बोलती कि गुड इवनिंग मैम। बोले गुड इवनिंग। बोलती कि हाँ आइए आइए जानवी, कशिश मैं नीचे हूँ ठीक है। ये बोलते हुए वो एकदम से चली जाती है। कशिश की नज़र झुकी हुई थी और नित्या आती है, वो बैठती है और बोलती कि ठीक हो तुम? कशिश बोलती कि हाँ हाँ मैम वो मैं ठीक हूँ। बोलती कि तो तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? हाँ एवरीथिंग इज़ ओके? तभी कशिश बोलती कि हाँ ओके मैम। तभी बोलती कि चलो ठीक है। एकदम से नित्या बैठती है और वो अपनी नोटबुक जो कशिश को है वो बोलती है कि नोटबुक ओपन करो, तो कशिश भी ओपन करती है, वो पढ़ाने लगती है। बीच में कशिश को एकदम से पता नहीं क्या सोचती है, वो एकदम से नोटबुक ऑफ करके नित्या की ओर दिखती है। नित्या अजीब नज़रों से दिखती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो ये बोलती कि मैम ये एक बात कहनी थी। तो बोलती कि हाँ बोलो। बोलती कि वो मैंने सुबह जो किया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हो गई है। तभी नित्या बोलती है कि नित्या अपनी चीज़ों में ध्यान थी, वो समझ ही नहीं पा रही था। बोलती कि कौन सी चीज़ कर ली तुमने? एकदम से कशिश बोलती वो जो जब मतलब तक बोलती कि क्या जब? नीचे एकदम से नोटबुक को हटाती है और कशिश की ओर देखती है तो देखती है कशिश की नोज थोड़ी सी रेड हो चुकी है और वो सर झुकाए हुए बस कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। नीता बोलती कि क्या है जल्दी बोलो। वो बोलती कि मैम वो तक बोलती कि क्या वो बोलो तो सही। तो बोलती कि वो मैंने जो मतलब गलती में आपको किस करी थी उसके लिए हम सॉरी। तभी एकदम से नित्या की आंखें बड़ी हो जाती है और उसे याद आती है कि हाँ इसने तो की थी, ये भूल गई थी। तभी होती कि ठीक ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बोलती है तो सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करनी थी ना, तो वो चीज़ को हटा कर पढ़ाई पे ध्यान देती है। पढ़ाई पे ये लोग पढ़ा लेते हैं। जो कशिश की मॉम है वो थोड़ी बहुत स्नैक्स और चाय लेके जाती है, तो वो पीते हैं खाते हैं स्नैक्स। नित्या पढ़ा लेती है
कुछ चीज़ इंस्ट्रक्शन दे देती है, असाइनमेंट के लिए बोल देती है, और वहाँ से वो एकदम से उठ के चली जाएगी। कि काशी बोलती कि मैम वो ड्रेस, तो बोलती कि ड्रेस, ठीक है हाँ वो आपकी ड्रेस मैं कल आते वक्त ले आऊँगी। बोलती कि अच्छा कहाँ आओगी तुम कल? ठीक है वर्सिटी मैम। बोलती अच्छा वर्सिटी कल ऑफ है, संडे है। हाँ ठीक है मैं भूल गई थी सॉरी। बोलती कि इट्स ओके अपनी पढ़ाई करो मैं चलती हूँ। ये बोलते हुए तभी बोलती कि पर वो आपकी ड्रेस तभी नित्या। बोलती कि पीछे से बार बार आवाज़ मत दो, क्या हुआ ड्रेस तुम रख लो मुझे कोई इशू नहीं है। तो बोलती कि पर आपकी ड्रेस मैं कैसे? बोलती कि जैसे तुम्हें फिट आई है बहुत अच्छी से तो तुम रख लो ना। बोलती कि ठीक है वो ठीक है मैम। तभी ये बोलते हुए नित्या वहाँ से चली जाती है। कशिश वो कुछ सोच रही थी कि जानवी आती है। बोलती कि हो गई पढ़ाई? बोलती कि हाँ हो तो गई, कल संडे है। बोलती कि हाँ कल संडे है, क्यों तुझे नहीं पता? चल कहाँ चलेगी बोल। लेकिन नहीं मुझे कहीं जानी नहीं है। तभी जानवी होती है यार हर रोज़ का यही होता है, हर वक्त का यार, कभी तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए ना, चल ना कहीं पे घूम आता है। बोलती कि नहीं यार तू घर आ जाया कर वही ठीक है। बोलती कि यार क्या है। और देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं। नित्या घर जाके फ्रेश वगैरह होके चीज़ें कर रहे थे, और इधर जो कशिश थी वो भी जानवी के जाने के बाद अपनी कुछ जो पढ़ाई वगैरह करती है। रात हो जाती है, डिनर वगैरह करते हैं, वक्त बीतते हैं, सब लोग अपने हिसाब के साथ सो जाती है। लेकिन अगले सुबह नित्या के लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि वो सुबह उठ के ही अपने भाई से मिलते हैं। प्रकाश अपने बेटे के साथ नित्या को देखने के लिए आया था। तो जैसे ही नित्या उठती अपने भाई को देखती है, वो शॉक होती है और जाके अपने भाई को टाइटली हक करती है और बोलती कि भाई आप? बोलती कि हाँ बहुत दिन से तुम्हें मिस कर रहा था, रह नहीं पाया तो आ गया। और राहुल को देख के वो और ज़्यादा खुश होती है, राहुल को हक करती है। राहुल बोलती कि आप बहुत बड़ी बुरी हो, आप मुझे मिस नहीं करते हो ना? बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, आई मिस यू अ लॉट। वो उसे फॉरहेड पे किस करती है, चीज़ पे कितना है किस करती है, और फिर वो उठती है सबसे मिलती है, और फिर फ्रेश वगैरह होके ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और खूब सारा बातें वगैरह करती है। दूजी और कशिश के पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो जानवी बार बार बोल रही थी कि यार चल ना यार कम से कम मूवी देख के आते हो। बोलती कि मुझे नहीं जाना। और कशिश के दिमाग में कुछ और ही चल रही थी, जो ड्रेस थी जो नित्या की वो क्लीन अप तो हो चुकी थी, वो प्रेस भी हो चुके थे, बस अब ड्रेस को नित्या तक पहुंचानी थी। तभी कशिश कुछ सोचते बोलती कि एक काम करेगी? बोलती कि क्या? बोलती कि शाम को चलेगी मतलब नित्या मैम के वहाँ पे, उनकी ड्रेस लौटानी है प्लीज़। बोलती अरे यार वो बाद में दे सकते हैं ना, वो कल जब वो आएगी तब दे देना, आज देने की क्या गई है यार, चल ना मूवी देख के आते हैं। बोले कि नहीं चल ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, दे देंगे। बोलती कि तुझे मैम के घर क्यों जानी है? बोलती कि बस जानी है। ठीक अच्छा ठीक है चल मैं शाम को आती हूँ। ऐसी होती है नीता अपने भाई और वो जो राहुल था उसके साथ वक्त बिताते हैं पूरा दिन। वो बहुत खुश थी। रिया भी देखती कि आज नित्या हद से ज़्यादा खुश है अपने भाई के आने के कारण। जैसे जैसे लंच वगैरह होते हैं यही सिलसिला कायम होते है, शाम होती है और जानवी वो पहुँचती है कशिश के घर। कशिश रेडी वगैरह होके वो एक जो है शॉपिंग बैग में ला के वो चल पड़ती है नित्या के घर की ओर, पहुँच भी जाती है। जैसे पहुँचती है एकदम से जानवी वो बात कर रही थी, वो लोग नीचे से जैसे ऊपर की ओर आने लगती तो जानवी की नज़र भी एकदम से जाती, तो जानवी देखती नित्या एक बच्चे के साथ खेल रही है और साथ में एक लड़का। अब नित्या की भाई जो था वो इतनी भी बूढ़े तो हुए नहीं, देखने में ठीक ठाक ही थे। तभी एकदम से जानवी रुक जाती है, होती कि एक मिनट ये कौन है? तभी कशिश भी देखती है थोड़ा साइड में, क्योंकि बालकनी से बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो नित्या की भाई थे, वो उसके शोल्डर पे हक करके रखे थे एक साइड से, नित्या से बात कर रहे थे। तो कशिश बोलती कि मुझे नहीं पता। तभी बोलती कि ये कई कई मैम शादीशुदा तो नहीं है ना? तभी कशिश घूर के देखते बोलती कि क्या बकवास है? एकदम से जानवी बोलती कि भाई इसमें बकवास वाली क्या बात है, तू देख दे लुक सो क्यूट। अरे
क्यों नहीं हो भी सकते हैं। तभी कशिश बोलती कि बकवास करने के लिए थोड़ी ना आए हैं हम यहाँ पे। तभी जाह्नवी बोलती कि तू भड़क क्यों गई, मैं तो बस ऐसे बोल रही हूँ। पर पता नहीं कौन है, पर वो लड़का तो अच्छा ही है मैम के साथ। अभी बोलती कि क्या मैम के साथ, ऐसे कुछ बातें वगैरह मत बोल और चल अंदर। जाह्नवी घूर के कशिश को देखती कि भाई इसको क्या हो गई है। ये लोग जाते हैं, कॉलिंग बेल लेते हैं। जैसे कॉलिंग बेल लेती है वहाँ पे एकदम से, क्योंकि एक जो रिया थी वो पास में थी, वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और देखती है कशिश और जाह्नवी को। बोलती है अरे तुम दोनों क्या क्या सोच के, कैसी हो कशिश? कशिश बोलती कि जी मैं ठीक हूँ वो मैम है। बोलती कि हाँ हाँ आओ अंदर आओ। तो दोनों एंटर करती है। तो जैसे एंटर करती है तो एकदम से उस वक्त जो नित्या है वो अपने भाई से बोल रही थी कि भाई भाभी ठीक है ना। तो कुछ इमोशनल बातें वहाँ पे हो रहे थे। जो कशिश जो नित्या की भाई है वो एकदम से हक करता है, बोलते कि डोंट वरी ना सब कुछ ठीक हो जाएगी, तुम बस अपनी चीज़ों में फोकस करो। और ऐसे ही वो उसके फॉरहेड पे किस करती। ये चीज़ कशिश देख ली थी और कशिश को ये अच्छी नहीं लगती। वो एकदम से बोलती कि वो ये मैम की है वो दे देना। वो एकदम से जाह्नवी के हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींचते हुए ले आती है। जाह्नवी बोलती है आइला तू मुझे ऐसे क्यों खींच रही है, हाउ मेरे हाथ पे दर्द हो रही है। बोलती कि चुपचाप चल। बोलती कि क्या हो गई है? बोलती कि कुछ नहीं चुपचाप चल। कहाँ चलूँ? बोलती कि पार्क के साइड पे चल। अच्छा घर नहीं जानी? बोलती कि तुझे जो बोल रही हूँ वो तू करेगी। अच्छा बोलती कि ओके रिलैक्स, इतनी खतरनाक लुक मत दे मैं जा रही हूँ। आज स्टोरी यही तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइज़।